हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। आज हम पढ़ेंगे अबाउट मैग्नेटिज्म, जो कि क्लास सिक्स साइंस का चैप्टर है। इन आर लास्ट वीडियो हमने मैग्नेटिज्म का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा था एंड वी हैड फन विद मैग्नेट्स। अब हम पढ़ेंगे अबाउट मैग्नेटिक पोल्स। तो किसी भी मैग्नेट में जो होता है वो होता है, उसके सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होती है उसके पोल्स, यानी कि उसके एंड्स, उसके दो एंड्स। एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल। अब वो सबसे इम्पॉर्टेंट क्यों है, ये हम एक एक्टिविटी के थ्रू पढ़ेंगे। डिप अ बार और हॉर्स शू मैग्नेट इन अ पाइल ऑफ पिंस। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये हॉर्स शू, ये बार मैग्नेट है और ये मैंने एक पाइल ऑफ पिंस में क्या किया है, डिप करा है। तो होगा क्या, ये होगा, ये जो इसका एक एंड है इसकी तरफ सारी की सारी जो मेरी पिंस है वो क्या हो गई हैं, अट्रैक्ट हो गई हैं। बट यहाँ सेंटर की तरफ तो कोई पिंस नहीं अट्रैक्ट हुई हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट किसी भी मैग्नेट का उसके दो एंड्स होते हैं, जिनको कि हम मैग्नेटिक पोल्स बोलते हैं। सो वी विल नोटिस दैट ऑलमोस्ट ऑल द पिंस विच स्टिक टू द मैग्नेट डू सो एट द टू एंड्स ऑफ द मैग्नेट, एट द टू एंड्स ऑफ द मैग्नेट। द कंक्लूजन इज दैट द मैग्नेट सीम्स टू बी स्ट्रॉन्गेस्ट एट द टू पॉइंट्स, वन ऑफ ईच ऑफ इट्स एंड्स। दीज पॉइंट्स आर नोन एज पोल्स ऑफ द मैग्नेट और मैग्नेटिक पोल्स। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो दो पोल्स हैं इसमें से एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है, तभी यहाँ एन और एस लिखा गया है। और ये जो पूरी जगह है किसी भी पोल के आसपास, किसी भी मैग्नेट के आसपास, ये जो पूरी जगह है इसी को इस मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड कहा जाता है। यानी मैग्नेट की सराउंडिंग एरिया को ही उसकी मैग्नेटिक फील्ड बोला जाता है, और जितना वो स्ट्रॉन्ग होगा उतनी ही उसकी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बड़ी होगी। और उस मैग्नेटिक फील्ड के बाहर अगर कोई सब्सटेंस, मैग्नेटिक सब्सटेंस रखा जाएगा तो वो उसको अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। तभी हमने क्या बोला कि डिप अ बार और अ हॉर्स शू मैग्नेट इन अ पाइल ऑफ पिंस, तो क्या होगा, ये अट्रैक्ट हो जाएगा और सबसे ज़्यादा जो पिंस है वो उसके एंड्स की तरफ यानी मैग्नेटिक पोल्स पे आकर स्टिक हो जाएंगी। तो आई होप मैग्नेटिक पोल्स क्या होता है ये आपको क्लियर है। तो मैग्नेटिक पोल्स को नॉर्थ और साउथ क्यों बोला गया है, इसके पीछे भी कुछ रीज़न होगा। अब हम वो रीज़न एक एक्टिविटी के थ्रू पढ़ेंगे। हैंग द बार मैग्नेट फ्रॉम अ स्टैंड यूजिंग अ थ्रेड। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, एक थ्रेड से एक बार मैग्नेट मैंने ऐसे हैंग किया और ये पेपर स्टिरअप में इसको बोल रही हूँ, यानी पेपर के थ्रू मैंने इसको हैंग किया हुआ है। मार्क द पोजिशंस ऑफ मैग्नेट्स पोल्स ऑन अ शीट ऑफ पेपर बिलो इट। नाउ रोटेट द मैग्नेट फर्स्ट क्लॉक वाइज एंड देन एंटी क्लॉक वाइज। तो आपको एक बार मैग्नेट को क्लॉक वाइज घुमाना है और छोड़ देना है। फिर आप ये देखेंगे कि मैग्नेट रुक जाएगा। जब मैग्नेट रुकेगा तो वो कैसे रुकेगा पता है, जो नॉर्थ डायरेक्शन है उसकी तरफ मैग्नेट का नॉर्थ पोल रुकेगा और जो साउथ डायरेक्शन है उसकी तरफ मैग्नेट का साउथ पोल रुकेगा। यानी कि जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये ऊपर नॉर्थ पोल होगी और ये नीचे साउथ पोल होगी, तभी ये नॉर्थ की तरफ यानी ऊपर पॉइंट कर रही है और ये साउथ की तरफ यानी नीचे पॉइंट कर रहा है। अब आप एक काम कीजिए, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कीजिए और फिर छोड़ दीजिए, मैग्नेट फिर से इसी पोजीशन में आके रुकेगा, यानी नॉर्थ और साउथ की तरफ ही पॉइंट करेगा। तो मार्क द पोजीशंस ऑफ द पोल्स ईच टाइम आफ्टर द मैग्नेट स्टॉप्स मूविंग, यू विल फाइंड दैट द डायरेक्शन इन विच द पोल्स पॉइंट रिमेन्स द सेम। यानी कि वो सेम ही है, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आया। ऐसा क्यों, क्योंकि नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट जो है वो नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा है। इसको मैं ज्योग्राफिकल नॉर्थ बोल सकती हूँ और ज्योग्राफिकल साउथ बोल सकती हूँ। तो जो पोल मैग्नेट की नॉर्थ की तरफ, ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ फेस करिए वो नॉर्थ पोल होगी, और जो ज्योग्राफिकल साउथ की तरफ फेस करिए वो साउथ पोल होगी। सो दिस इज हाउ दीज टू टर्म्स नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल केम इन टू पिक्चर। सो लेट्स स्टडी द कंक्लूजन अगेन। When you suspend a bar magnet, one of its poles always points towards geographical north. This is called the north pole of the magnet. The other pole points towards the geographical south and it is known as the south pole of the magnet, जिसे हम S से दिखाते हैं। तो तभी आपके magnet पे, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था
पहले भी क्या लिखा होता है आपके मैग्नेट पे? N और S. N is for North Pole and S is for South Pole. अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे अबाउट अ डिवाइस नोन एज मैग्नेटिक कंपस, जो कि आप यहाँ पिक्चर में भी देख रहे हैं. आपने देखा होगा मूवीज़ में कि जब भी कोई सी में शिप के ऊपर ट्रैवल करते हैं तो उनके पास एक मैग्नेटिक कंपस होता है जो उनको डायरेक्शन बताता है. तो डायरेक्शन बताने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? मैग्नेटिक कंपस. तो आप ये तो यहाँ देख सकते हैं ये मैग्नेटिक कंपस है, बट ये कैसे वर्क करता है, कैसे डिज़ाइन किया गया है इसको, लेट्स स्टडी. सो अ मैग्नेटिक कंपस इज़ अ सिंपल डिवाइस फॉर फाइंडिंग द डायरेक्शन. जी हाँ, ये तो हम पहले ही स्टडी कर चुके हैं कि ये डायरेक्शन फाइंड करने में मदद करता है. इट कंसिस्ट ऑफ अ मैग्नेटिक नीडल दैट टर्न्स फ्रीली अबाउट इट्स सेंटर. जैसे कि आप देख सकते हैं ये फ्रीली मूव कर सकती है अपने सेंटर के आसपास. डायरेक्शंस आर ईदर प्रिंटेड ऑन अ कार्ड प्लेस बिलो द नीडल और मार्क्ड ऑन द टॉप ऑफ द बॉक्स. द नॉर्थ पोल ऑफ द नीडल इज पेंटेड रेड और ब्लू और इज इन द शेप ऑफ एन एरो हेड. तो यहाँ पे हमें दिख रहा है एरो हेड के शेप में है और उस पर नॉर्थ और साउथ एन और एस लिखा हुआ है. When kept away from the magnetic material, the north pole of the magnetic needle points towards the geographical north. यानी कि अगर आसपास कोई magnetic substance नहीं है और मैं एक magnetic compass को use कर रही हूँ तो वो उसकी जो north pole है वो geographical north की तरफ ही point करेगी और मुझे north में जाना है तो मुझे direction पता चल जाएगा कि मुझे किस direction में जाना है अगर मुझे north में जाना है. तो इसीलिए मैग्नेटिक कंपस जो है वो डायरेक्शन बताने के काम आता है विद द हेल्प ऑफ दिस मैग्नेटिक नीडल. सो आई होप मैग्नेटिक कंपस इज क्लियर टू यू. इंटरैक्शन बिटवीन द मैग्नेटिक पोल्स. तो ये तो एक लॉ की तरह आपको याद रखना है दैट अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर एंड लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर. इसको मैं प्रूव भी कर सकती हूँ एक एक्टिविटी से. आप दो मैग्नेट्स लीजिए. मैंने यहाँ पर दो बार मैग्नेट सस्पेंड किए हैं जिसमें यहाँ पे मैंने एक नॉर्थ साउथ लिया और यहाँ पे भी एक नॉर्थ साउथ होगा ही. दो मैग्नेट्स है तो दोनों की दो दो पोल्स होंगी. जैसे मैं नॉर्थ नॉर्थ को पास लाऊं तो होगा क्या? दोनों रिपेल करेंगे और एक दूसरे से दूर जाएंगे. जैसे ही मैं साउथ साउथ को पास लाऊंगी तो भी यही होगा कि दोनों एक दूसरे से रिपेल करेंगे और अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे. जैसे कि ये जैसे यहाँ लाया गया ये वहाँ चला गया. ये किस डायरेक्शन में चला गया? इधर इस तरफ मूव कर गया. क्यों? क्योंकि ये नॉर्थ नॉर्थ है और लाइक पोल्स क्या करते हैं? हमेशा हमें याद रखना है दैट लाइक पोल्स ऑफ अ मैग्नेट रिपेल ईच अदर और push apart and unlike poles of magnet attract each other. तो अब अगर मैं north और south को पास में लाऊंगी तो क्या होगा? north और south एक दूसरे को क्या करेंगे? एक दूसरे की तरफ मूव करेंगे और एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. और अगर मैं ये वाला north और ये वाला south भी पास में लाऊं तो भी क्या होगा? अट्रैक्शन होगा, बिकॉज अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर एंड लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर. तो ये तो आप एक्टिविटी अपने घर पे भी कर सकते हैं. सपोज आपने एक मैग्नेट लिया और आपने दूसरा भी सिमिलर मैग्नेट लिया, आपने उसको एक दूसरे की तरफ पॉइंट आउट किया और वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करे. यानी ये इस मैग्नेट की अगर नॉर्थ पोल है तो ये इस मैग्नेट की साउथ पोल होगी. और अगर आपने इस मैग्नेट को टर्न करके लाएंगे तो आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि ये दोनों पोल सेम है, तो अब वो एक दूसरे से दूर भागेंगे, यानी एक दूसरे को पुश अपार्ट करेंगे, तो यानी कि रिपल्शन होगा. सो आई होप ये आपको क्लियर है कि मैग्नेटिक पोल्स आपस में इंटरैक्ट कैसे करती हैं. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर विच वी हैव जस्ट कवर्ड. नाउ वी विल स्टडी द यूजेस ऑफ मैग्नेट. तो मैग्नेटिज्म के क्या यूजेस होते हैं? जैसे कि आपने देखा होगा आपका जो फ्रिज का डोर होता है अगर आप उसे ओपन भी छोड़ दोगे तो वो खुद आके बंद हो जाता है. क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक मैग्नेट लगा होता है और जो जो सब जो दूसरा सामने वाला सरफेस होता है वो भी मैग्नेटिक होता है, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और फ्रिज एकदम से बंद हो जाता है. और हमें पता है अगर फ्रिज खुला रह जाएगा तो क्या होगा? सारा खाना ख़राब हो जाएगा. तो इसीलिए फ्रिज को डिज़ाइन ही ऐसे किया जाता है, मैग्नेट डोर पे उस ही जगह लगाए जाते हैं जैसे कि वो जो है दूसरे मैग्नेटिक सरफेस को अट्रैक्ट करे और डोर क्या हो जाए? खुद ब खुद क्लोज हो जाए.
So, the door of refrigerator has a weak magnetic strip all around it to ensure that it remains firmly shut. Next, magnets are used to separate magnetic ores from non-magnetic rocks or magnetic substance from a mixture. Suppose kuch aisa substance hai jisme magnetic or non-magnetic substances mix hai aur mujhe alag karna hai. Suppose maine plastic aur iron nails ko mix kar diya. Ab mujhe inko alag karna hai. तो मैं एक मैग्नेट लाऊंगी उसके ऊपर ऐसे रोल करूंगी तो जो मेरी आयरन नेल्स है वो तो अट्रैक्ट हो जाएंगी और जो मेरा प्लास्टिक के पीसेस है वो तो नीचे रह जाएंगे. तो क्या मैंने सेपरेट कर दिया मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस को? द आंसर इज यस. मोटर्स एंड जनरेटर्स आर ऑल्सो यूजिंग पावरफुल मैग्नेट्स. तो मोटर्स और जनरेटर्स में भी मैग्नेट्स यूज होते हैं. सो आई होप दिस चैप्टर इज क्लियर टू यू. अब हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में इसके कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे. थैंक यू.